मजीद ताज़े तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ डेरी को और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दें। पाकिस्तान फौज के तालुकात-ए-आमा के इदारे ISPR के डायरेक्टर आसिफ गफूर ने कहा है कि दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ना मुश्किल है, मगर भारत एक जाना माना दुश्मन है। हमने 70 साल आप ही को देखा, पढ़ा और आप ही के लिए तैयारी की और जवाब भी आप ही के लिए ही है। जंग की धमकी आपकी तरफ से आ रही है और हम जंग की तैयारियां नहीं कर रहे, बल्कि अपना दिपा करना और जवाब देना हमारा हक है। हम इस हक की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा वाक्य के बाद पहले सोचा, फिर तहकीक की और फिर एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आप लोगों को जवाब दिया और हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसी पेशकश की जो शायद पहले कभी नहीं की गई। पाकिस्तान बदल गया है और एक नई सोच आ रही है। हम बहुत मुश्किलों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब हम में सब्र और तहम्मुल आ गया है। गलतियाँ की मगर उनसे सीखा भी, लेकिन अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही कोई इरादा। हम गुजरे हुए कल की अफवाज नहीं, हमारे तीनों से पिसलारों से लेकर सिपाहियों तक अपने कदमों पर खड़े होकर हाथों से जंग लड़ी है और दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान बदल रहा है और एक नई सोच आ रही है। हम बहुत मुश्किलों से गुजर कर यहाँ पहुँचे हैं। हमारी अफवाज और आवाम ने खून के समंदर से गुजर कर इस वतन को जिला बख्शी है और अब हम में सब्र और तहम्मुल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान वाहिद फौज जिन्होंने उन खतरात का मुकाबला किया और दहशतगर्दी को हावी नहीं होने दिया। इन्होंने कहा है कि चाहे जैसी मर्जी तहकीक करवा ले, मगर सबूत दे, और अगर कोई सबूत मिला तो हम आपके दबाव में नहीं बल्कि अपने मफाद में कार्रवाई करेंगे।